हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सरिता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेचुरल रेमेडी फॉर स्प्लिटेंस, यानी कि दो मुंह है बाल। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको स्प्लिटेंस की समस्या किन कारणों की वजह से होती है। पहला, गर्मियों में स्प्लिटेंस की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि गर्मियों में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपको स्प्लिटेंस का सामना करना पड़ता है। सेकेंड है, हेयर ड्राई और हेयर स्ट्रेटनर्स का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भी आपको स्प्लिटेंस की समस्या बढ़ती है क्योंकि आपके बालों में ड्राइनेस बढ़ जाता है जिसके कारण आपको स्प्लिटेंस की समस्या बढ़ जाती है। तीसरा, सही पोषण नहीं मिलने की वजह से आपको स्प्लिटेंस का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको नेचुरल रेमेडी बताऊँगी जिससे आपका स्प्लिट जो आपके बालों में स्प्लिटेंस की समस्या को कम करें। मैं अपना रेमेडी बनाने के लिए इसमें मैंने लिया क्रीम। आप कोई भी फ्रेश क्रीम ले सकते हैं, टैट्रा पैक ले सकते हैं, कोई भी अमूल की ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। इसमें मैं डालूँ 1 स्पून कोकोनट ऑयल एंड एलोवेरा जेल। आप कोई भी चीज़ किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये इस तरह से डाल लिया है और इसमें आप कुछ बूंदे, हल्की सी दो चार बूंदे सिर्फ आप लेमन जूस की भी डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए इस तरह से। और ये आपका इस तरह से मास्क बनकर रेडी हो गया। ये देखिए इस तरह से। तो मैं आपको इसको बालों में अभी लगा के दिखाती हूँ आपको किस तरह से लगाना। और आप इसको वीक में 2 बार लगा सकते हैं इस तरह से। आप हाथों में इस तरह से लेकर के और इसको अच्छे से मसाज करके आप मलाई की जगह कर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। और आपके जहाँ पर स्प्लिटेंस है, अगर आपके यहाँ से हैं तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। इस तरह से अच्छे से मसाज करें और आप टिप्स पर इस तरह से ज़्यादा मसाज करें क्योंकि यहाँ का पोर्शन बहुत ज़्यादा ड्राई होता है और यहाँ पर स्प्लिटेंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और हो सके तो आप अपने बालों को टाइम पर कटाते रहें क्योंकि स्प्लिटेंस जो होते हैं आपके बालों की ग्रोथ को रोकते हैं। इस तरह से ये मास्क आपके बालों को एकदम रिपेयर करेगा, आपके बालों को डैमेज से बचाएगा, मॉइस्चराइज करेगा अच्छे से। इस तरह से आप दोनों साइड लगा लें और इसके इस तरह से, और आप इसको स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं। अगर आप इसको स्कैल्प पे लगाएंगे तो आपको जो डैंड्रफ होगा वो भी इससे रिमूव हो जाएगा। ये आपकी बालों की ग्रोथ में भी आपको हेल्प करेगा और आपके बालों को झड़ने से भी बचाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा। मॉइस्चराइजर जो होता है आपके बालों में नमी को लॉक करके रखता है और रिपेयर करता है आपके बालों को, तो आपके बालों में स्प्लिटेंस की समस्या इससे कम होगी। और प्लीज़ इसको हफ्ते में आप 2 बार यूज़ ज़रूर करें अच्छे रिजल्ट्स के लिए। इस तरह से आप अपने बालों में लगाएं इसको। और टिप्स पर मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इस तरह से आप अपने टिप्स पर लगा करके इस तरह से रब करके और इसको आधा घंटा इसी तरह छोड़ दें और आप अपने बालों को एक कॉटन की हेल्प से ऊपर टाई करके बांध दें। नहीं तो आप प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं इस तरह से आप अपने बालों को बांध दें जिससे कि इनका मॉइस्चर इनके अंदर बना रहे और आपके बाल जो है अच्छे से रिपेयर हो सके। इस तरह से आप अपने बालों को बांध दें। इस तरह से बालों को बांधने के बाद आप आधा घंटा एक घंटा इसको इसी तरह से छोड़ दें और इसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर लें। तो आप देखेंगे कि जब आप हफ्ते में इसको 2 बार यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और यह कुछ टिप्स की जिन्हें फॉलो करके आप अपने बालों को स्प्लिटेंस की समस्या से बचा सकते हैं। पहला, जब कभी भी आप धूप में जाएं तो अपने बालों को कवर करें किसी दुपट्टे से, स्कार्फ से। दूसरा, आप कभी भी गर्म पानी का यूज़ ना करें अपने बालों को धोने के लिए। तीसरा, जब आप हेयर स्ट्रेटनर का यूज़ करें तो आप अपने बालों को पहले मॉइस्चराइज करें और मॉइस्चराइज़र के लिए आप एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपके बालों में ड्राइनेस की समस्या नहीं बढ़े और आपको स्प्लिटेंस का सामना नहीं करना पड़े। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप हमेशा अपने बालों को मॉइस्चराइज करके ज़रूर रखें क्योंकि मॉइस्चराइज़र ही एक सबसे बड़ा ऑप्शन है आपके बालों को स्प्लिटेंस से बचाने का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।